सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज ये लुक है, ऑब्वियसली देख के पता लग ही रहा है करवा चौथ के हिसाब से। तो ये मैंने ट्रेडिशनल मेकअप लुक किया है साड़ी में। मैंने पहले एक सूट में भी निकाला था, तो आज ये लुक किया है मैंने साड़ी के साथ। आई होप आप सभी को ये लुक काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर स्विस ब्यूटी का, ये मेरा शेड है 01। इसके बाद हम यूज़ करेंगे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन न्यूड आइवरी। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है और ये पसीने से भी इजीली नहीं निकलता है, तो लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है और कवरेज बहुत अच्छी देता है। अफोर्डेबल प्राइस 300 to 400 में आपको इजीली मिल जाएगा। तो हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर ज़रूर लगाएँ ताकि फेस और गर्दन बिल्कुल अलग अलग ना लगें, और अच्छे से ब्लेंड कर लें और कानों में ज़रूर लगाएं क्योंकि इससे फेस अलग अलग दिखता है। अब मैं मिस रोज़ का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का। तो सबसे पहले हम कॉम कर लेंगे अपनी आईब्रोज़ को। अब एक एंगल ब्रश की मदद से इसको अच्छे से शेप देंगे ताकि हमारी आईब्रोज़ बहुत अच्छे से हाईलाइट हो, क्योंकि मेकअप में आईब्रोज़ अच्छे से हाईलाइट होती है तो फेस काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मैं ये एले गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आइवरी शेड है ये। इसे हम ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। लैक्मे परफेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सारे लिंक। अब मैं जैकलिन हिल की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले लाइट पीच ब्राउन कलर है, तो इसे हम क्रीज लाइन पर अप्लाई करेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ। इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ स्मोकी लुक देने के लिए। तो खाली आउटर जो कॉर्नर्स होते हैं आइस के, वहाँ पर इसको ब्लेंड करना है। अब मैं एक स्मॉल सेम ऐसा ही ब्रश ले रही हूँ, इसे जो सेटिंग स्प्रे है उसे हम स्प्रे कर लेंगे। अब स्विस ब्यूटी का मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो ब्लशर है इसका 03, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो में। काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इस हाइलाइटर का। अब मैं ब्लैक और ब्राउन इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी और हल्का हल्का सा स्मोकी लुक देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा लाइट स्मोकी लुक आ रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा स्मोकी नहीं किया है। अब जो हमारा फैल गया है आई शेडो, उसे हम कंसीलर की मदद से सेट कर लेंगे और लोअर आई जो लैश लाइन है उस पर मैं लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ स्मोकी लुक देने के लिए। अब जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, इसमें मैं वेगा का आईलाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा लगता है लाइनर, तो हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे आईज पर। अब मैं यही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे हम इसे और नेक और ईयर्स पर भी अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, एक ब्रश को लेकर इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कॉन्टोरिंग में मैंने यूज़ की है एले गर्ल की कॉन्टोरिंग किट। माथे पे भी हम अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे ताकि हमारा माथा थोड़ा सा सेट लगे, छोटा छोटा लगे। अब मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की मदद से। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसी में जो दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर दिया गया होता है, इसी से मैं अपने फेस की को बेक कर रही हूँ एक तरीके से। और जो लोअर लैश लाइन है यहाँ पर मैं ये सेम हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ही, खाली फ्रंट पर अप्लाई करेंगे। और लास्ट में मैं एक ब्लैक कलर का जो आई शेडो होता है उससे हल्का सा स्मोकी लुक दे रही हूँ खाली लास्ट कॉर्नर पर। इसके बाद यही हाइलाइटर सेम यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्रोज बोन पर। दोनों आईब्रोज बोन पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे पफ की मदद से। अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का, क्योंकि साड़ी से मैच होता हुआ ब्लशर ही लगाना है। अब मैं यही सेम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने आई शेडो में यूज़ किया था। अब मैं NYB की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर है 45 द बिग फिनाले। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है। आप भी इस तरीके से तैयार हो सकते हो इस करवा चौथ पर। आई होप आपको आपकी आज की मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।